गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जीके क्लास, क्लास फोर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पेज नंबर 37, पेज नंबर 38 वाइल्ड हेरिटेज, पेज नंबर 39 सॉब्रिक्वेट्स एंड पेज नंबर 40 मैजिक ट्रिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन पेज नंबर 37. सो इन एट दिस पेज गिवन बिलो आर द हाइएस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट इन इंडिया. कुछ समथिंग जो भी हमारी इंडिया में हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है या बिगेस्ट है या लार्जेस्ट है इंडिया में, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है आपका. सो चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द क्लू बॉक्स टू नेम देम. यू कैन सी इन द लेफ्ट साइड, दिस इज द क्लू बॉक्स. आपके पास कुछ नेम गिवन है यहाँ पर, इन्हीं को आपने चूज करके आपके पास सम कुछ यहाँ क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन की फॉर्म सपोज जैसे लॉन्गेस्ट रिवर, तो लॉन्गेस्ट रिवर आपके पास इस ब्लू बॉक्स में गिवन है, आपको उसको चूज करके इसके सामने पुट करना है. ओके, सो फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट रिवर. लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज द गंगा. ठीक है, यू कैन सी इन द ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स में भी गिवन है आपके पास गंगा. ओके, सो यू कैन राइट द आंसर्स इन योर बुक विद मी. राइट, गंगा, GANGA, गंगा. सेकेंड इज हाइएस्ट माउंटेन पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, दैट इज कॉल्ड K2. K2 बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. गॉडविन ऑस्टिन. थर्ड इज द हाइएस्ट डैम, भाखड़ा डैम. पंजाब में है ये भाखड़ा डैम. फोर्थ पॉइंट इज बिगेस्ट मॉस्क्यू, जामा मस्जिद दिल्ली में आई. फिफ्थ पॉइंट इज लॉन्गेस्ट रोड, सबसे लंबी रोड, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड. GT रोड बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म, और ग्रैंड ट्रंक रोड इज द फुल फॉर्म. नोट करते जाइए आंसर्स. सिक्स्थ पॉइंट इज स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. Longest coastline is Gujarat. Gujarat. Seventh point, longest dam. That is the Hirakund Dam. Hirakund Dam. Odisha mein hai ye. Then eighth point is longest river bridge. यह है महात्मा गांधी सेतु, ब्रिज बना हुआ है ये महात्मा गांधी सेतु. नाइन्थ पॉइंट इज लार्जेस्ट म्यूजियम, दैट इज द नेशनल म्यूजियम. नेशनल म्यूजियम इज द लार्जेस्ट म्यूजियम, दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता. कोलकाता में है ये. 10th point is largest zoo. Name of the largest zoo is Zoological Garden. Zoological Garden. ये भी कोलकाता में ही है. 'Highest gateway' है बुलंद दरवाजा. बुलंद दरवाजा आगरा में है ये. राइट द आंसर, बुलंद दरवाजा. देन 12th पॉइंट इज लार्जेस्ट स्टेट, एरिया वाइज बताना है आपको सबसे बड़ा एरिया किसमें है, तो राजस्थान. लार्जेस्ट स्टेट इज राजस्थान. देन लार्जेस्ट चर्च, लार्जेस्ट चर्च, दैट इज अ सेंट कैथेड्रल. ये गोवा में है, सेंट कैथेड्रल. लॉन्गेस्ट बीच, मैरीना बीच. मैरीना बीच कहाँ है, चेन्नई में, मैरीना बीच.
Next, page number 38, Wild Heritage. A national park refers to an area of land reserved by the government that is restricted from development to allow it to sustain as a natural environment for regulation and maintenance of wildlife. Students, वो कह रहा है कि जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, या फिर वहां पर जानवरों को पूरी तरह से खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज जो है वो कम होती जा रही है. इसके लिए कुछ पार्क्स वगैरह गवर्नमेंट ने बनाई हैं और वहां पर इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि इनकी स्पीशीज को बचाया जा सके. ठीक है. सो अ नेशनल पार्क रेफर्स टू एन एरिया, ये वो एरिया है ऑफ लैंड रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट ने रिजर्व किया हुआ है जो कि सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ एनिमल्स के लिए उनको अलाउ किया गया है. वहां पर नेचुरल एनवायरनमेंट दिया गया है उन एनिमल्स को ताकि उनको जिंदा रखा जा सके. ठीक है. उनकी लाइफ उनको मेंटेनेंस, उनकी रेगुलेशंस के लिए उनको वहां पर नेचुरल जंगली पूरा वाइल्ड की तरह ही उनको एनवायरनमेंट दिया गया है. वहां कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता और उनको कोई मार नहीं सकता. ठीक है. उनको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं आता ताकि वो लोग उनकी स्पीशीज जो है उनको जिंदा रखा जा सके. ओके. सो राइट द नेम्स ऑफ स्टेट्स इन विच द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड. यूज द क्लू बॉक्स फॉर हेल्प. आपके पास यहाँ पर भी क्वेश्चन में लास्ट में क्लू बॉक्स गिवन है और यहाँ हमारे पास कुछ नेशनल पार्क्स के नेम आएंगे और उनकी मेन अट्रैक्शन की किन किन एनिमल्स को उन्होंने रखा हुआ है. आपको उसका सिर्फ स्टेट बतानी है कि वो पार्क कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है. राइट. तो यू विल राइट ओनली द नेम ऑफ स्टेट. राइट. जो भी आपके पास ये ब्लैंक बना हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल रणथंभौर नेशनल पार्क. ठीक है. रणथंभौर नेशनल पार्क मेन अट्रैक्शन इज टाइगर्स, लेपर्ड, बोर्स. ये यहाँ पर प्रोटेक्ट होते हैं. एंड स्टेट आपको बतानी है तो दैट पार्क इज सिचुएटेड इन राजस्थान. ठीक है. राजस्थान में है ये पार्क. तो आंसर लिख लीजिए आप. स्टेट का नेम इज राजस्थान. सेकेंड इज द काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मेन अट्रैक्शंस आर रिनोस, टाइगर्स एंड लेफर्ड. वेयर इट इज सिचुएटेड. ये असम में है. ओके. असम, ASSAM, असम. थर्ड इज सुंदरबान नेशनल पार्क. And main attractions are Bengal tigers, Ridley sea turtle. Main in animals को यहाँ protect किया गया है. ठीक है. And state, किस state की है ये? सुंदरबान national park situated in West Bengal. Answer is West Bengal. Fourth is Corbett national park. And main attraction, tigers, elephants, cheetahs and sambars. So, where it is situated, this park? Uttarakhand. Corbett National Park is situated in Uttarakhand. And fifth point is, Kanha National Park. And main attractions are tigers, leopard and bears. It is situated in Madhya Pradesh, MP, Madhya Pradesh. Okay. Page number 39. Sobriquets. A sobriquet is a nickname given to a place. कुछ जगहों को एक नेम दिया जाता है शॉर्ट में जो उनकी कह लो कि उनकी ब्यूटी पे या किसी ना किसी चीज पे उनकी सुटेबल होता है. ठीक है. सो बिलो आर द सोब्रिक्वेट्स ऑफ फ्यू इंडियन सिटीज. हमारे इंडिया की जो सिटीज में कुछ सोब्रिक्वेट्स हैं जिनको कुछ कुछ हमने नाम दिए हुए हैं
उन्हीं नामों से ही वो शो कर रहे हैं. जस्ट आइडेंटिफाई द सिटीज, आपको एक तो उस सिटी का नेम बताना है एंड राइट द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, और उस मॉन्यूमेंट की जो पिक्चर है वो आपके सामने बनी हुई है, और उस मॉन्यूमेंट का नाम भी आपको इसमें मेंशन करना है. ठीक है, फर्स्ट इज, एंड क्लू बॉक्स गिवन है आपके पास राइट साइड में, सारे नेम इसमें मेंशन है. फर्स्ट पिक्चर आप देखो यहाँ पर, पिंक सिटी. पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट नेम ऑफ द स्टेट इज, नेम ऑफ द सिटी सॉरी, नेम ऑफ द सिटी इज जयपुर. राजस्थान में है ये, ठीक है, जयपुर. एंड द पिक्चर ऑफ द जयपुर, ये जो गिवन है आपके सामने पिंक सिटी की एक पॉपुलर पिक्चर आपके सामने दी हुई है, दैट पिक्चर इज ऑफ हवा महल. ये हवा महल की पिक्चर है. ठीक है, सो फर्स्ट आंसर इज जयपुर, सेकेंड इज द हवा महल. फर्स्ट का ही है जैसे ये मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देख लो एक बार. जयपुर फर्स्ट लाइन में मेंशन करेंगे एंड हवा महल सेकेंड लाइन में. सेकेंड पॉइंट इज सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल. सबको पता होगा गोल्डन टेम्पल कहाँ है, अमृतसर. सो अमृतसर इज द सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल. और पिक्चर देखो किसकी बनी हुई है, गोल्डन टेम्पल की ही पिक्चर है. सो सेकेंड लाइन में आप मेंशन करेंगे गोल्डन टेम्पल. पहले आपको उसकी सिटी का नाम बताना है, आफ्टर देन जिस चीज की पिक्चर है उसको उस पिक्चर का नेम बताना है. थर्ड पॉइंट, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी. किसको बोलते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, कोची को, सी सॉरी KOCHI, कोची. और ये जो पिक्चर आपके सामने आ रही है ये देखो रेनबो की तरह ही है, रेनबो. तो ये ब्रिज बना हुआ है रेनबो जैसा, दिस इज अ रेनबो ब्रिज, कोची में ही है ये. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, हाईटेक सिटी. टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है इसमें, तो हाईटेक सिटी इज हैदराबाद. ओके, और जो ये पिक्चर बनी हुई है नाम क्लियर हो, मेंशन है देख लो, ROMO, रामो JI, रामोजी लिखा हुआ है ना. सो दिस इज अ रामोजी फिल्म सिटी, पिक्चर ऑफ रामोजी फिल्म सिटी. फिफ्थ पॉइंट, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इज बेंगलुरु. और जो ये पिक्चर है दैट इज पिक्चर ऑफ लाल बाग, लाल बाग. नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज सिटी ऑफ लेक्स. सिटी ऑफ लेक्स, सबसे ज्यादा लेक्स हैं सिटी में, उदयपुर. और ये जो जिस जो ये पिक्चर है आपके पास ये भी एक लेक है, लेक पैलेस. देन सेवेंथ पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई. और पिक्चर भी किसकी है, गेटवे की ही है. सो गेटवे ऑफ इंडिया. एंड लास्ट एट्थ पॉइंट इज सिटी ऑफ जॉय. सिटी ऑफ जॉय इज कोलकाता. एंड पिक्चर, पिक्चर यू कैन सी दिस पिक्चर इज ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 40, दिस इज द मैजिक ट्रिक. मैजिक ट्रिक, सो टू डू दिस ट्रिक फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स यू नीड, फर्स्ट इज थिक टिश्यू और काइट पेपर, या तो मोटे वाला टिश्यू पेपर ले लेना या फिर काइट पेपर. सेकेंड इज अ पेयर ऑफ सीजर्स, एंड थर्ड इज स्मॉल प्लास्टिक रूलर, एंड फोर्थ इज मार्कर या फिर पेन, एंड लास्ट वुलन फैब्रिक. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज यूज अ प्लेट टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ मार्कर पेन ऑन अ टिश्यू पेपर. एक टिश्यू पेपर आप यहाँ बिछा लेना, उसके ऊपर प्लेट उल्टी करके ड्रॉ कर लेना है मार्कर से या फिर पेन से. ओके, एंड देन कट द सर्कल आउट, और उसको सर्कल को कट कर लेना है.
प्लेट की सर्कल को कट कर लेना, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप, ड्रॉ अ स्पाइरल इनसाइड द सर्कल। अब उसके बीच में एक छोटा सर्कल बना के उसके बाद फिर एक और बड़ा, इस तरह से पैटर्न वाइज सर्कल्स बनाने हैं, राइट। एंड एड आईज एंड पैटर्न टू योर स्नेक विद द मार्कर, और मार्कर से उसकी दो आईज बना देनी है, क्योंकि यहाँ हम स्नेक बना रहे हैं, डांसिंग स्नेक बना रहे हैं, ओके। थर्ड स्टेप में यू विल कट अलोंग द स्पाइरल लाइंस, जहां पर आपने लाइंस लगाई है ना ये, उनको आप कट कर देना। वंस यू हैव फिनिश्ड कटिंग, रिकॉयल योर स्नेक। जैसे ही आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाए, आप उसको रिकॉयल कर देंगे, उसको थोड़ा सा फोल्ड करके, एंड टेक अ रूलर, एक रूलर लेना, एंड रब वन एंड ऑफ द प्लास्टिक रूलर बैक एंड फोर्थ अगेंस्ट द वूलन फैब्रिक फॉर 30 seconds फॉर लॉन्गर। उस फैब्रिक से 30 seconds तक आपको उसको फोल्ड करके रखना है, ताकि जो शेप है ना उसके स्नेक के फेस की और उसके बैक की वो बन जाए, ओके। एंड लास्ट स्टेप इज, नाउ टच द एंड ऑफ द रूलर विच यू हैड रब्ड, जिसको आपने रब किया उसको पकड़ के रखा है काफी 30 seconds तक, आप उसको छोड़ दो। विच यू हैड रब टू द स्नेक्स हेड, उससे अब जैसे आप छोड़ोगे वो उसको ऊपर की तरफ उसका हेड बन जाएगा, टू द स्नेक हेड। सो वॉच द स्नेक राइज अप एंड अनकॉइल इटसेल्फ, आप देखोगे कि उसका फेस अपने की आप ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये बिल्कुल डांसिंग स्नेक की तरह बनेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप ट्राई करना आज, ओके। सो रिवाइज दीज टॉपिक्स एंड राइट द आंसर्स इन योर बुक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।